तो दोस्तों आज के हम अपने इस वीडियो में कॉमेडियन कपिल शर्मा के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज के दौर में सबसे पॉपुलर कॉमेडियन हैं। कपिल शर्मा के इंडिया के अलावा और भी सारे कंट्रीज़ में काफ़ी फेमस हैं और इनका इतना फेमस होने के कारण इनका शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल है या शो बंद हो चुका है क्योंकि इसमें बहुत से विवाद हो गए थे, लेकिन सभी विवादों और अफवाहों के समाप्ति के बाद इनका नया शो द कपिल शर्मा शो सोनी टीवी पर आने लगा है। हम इनके जीवन के लगभग सभी हिस्से को अपने इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे और कोशिश करेंगे कि इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिले। इनका हम रियल नेम की बात करें तो रियल नेम है इनका कपिल शर्मा, निक नेम कप्पू, और ये कॉमेडियन भी हैं, एक्टर भी हैं और एक सिंगर भी हैं। इनका हाइट है 5 फीट और 7 इंच, वेट है 80 किलोग्राम। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 2 अप्रैल 1981 को ये पंजाब के अमृतसर में पैदा हुए थे और इनको नेशनलिटी इंडिया की है। और एजुकेशन की बात करें तो ये ग्रेजुएशन कंप्लीट हैं और फादर का नाम जितेंद्र कुमार पुंज और माता का नाम जानकी रानी है। दोस्तों कपिल शर्मा एक इंडियन कॉमेडियन है जिन्होंने बहुत से कॉमेडी शो में हिस्सा लिया और एक कॉमेडी शो जिसका नाम कॉमेडी सर्कस में या लगातार 5 बार विनर रहे थे। इस शो के जज अर्चना पूरन सिंह और सुहैल खान थे। कुछ समय बाद कपिल ने अपना खुद का शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शुरू किया जिसके बाद ये बहुत पॉपुलर हो गए क्योंकि इनके शो को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने लगा था। कपिल शर्मा का जन्म पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था और यह अपने बिजनेस के कारण मुंबई सिटी में थे। कपिल शर्मा एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए अपने संघर्षों के दिन में PCO में भी इन्होंने काम किया है। इन्होंने और अपने टैलेंट के दम पर नाम, शोहरत और पैसा कमाया। इनके पिता पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर थे, लेकिन उस समय सरकारी नौकरी में उतनी सैलरी नहीं होती थी। कपिल शर्मा के बहन का नाम पूजा शर्मा था जिनकी मृत्यु 2004 में कैंसर की वजह से दिल्ली में हो गई थी। इनके माता का नाम जानकी रानी जो कपिल के सभी शो में आती हैं और काफ़ी इंजॉय करती हैं। और इनके पिता का नाम जितेंद्र कुमार पुंजा था जिनका डेथ हो गया है। कपिल शर्मा की शुरुआती पढ़ाई अमृतसर के खालसा कॉलेज से हुई थी और साथ ही जालंधर के APJ कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट में भी पढ़ाई की थी। श्रीराम आश्रम सेकेंडरी स्कूल से इन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की जो अमृतसर में ही स्थित है। कपिल शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत छोटे पर्दे यानी टीवी पर आ रहे द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से 2007 में की थी। इस शो में इन्होंने जीत के साथ शुरुआत की थी और इसमें इनको लगभग 10 लाख रुपए का इनाम भी मिला था। इसके बाद इन्होंने एक पंजाबी शो हंसते हंसाते रहो में भी काम किया जो MH1 चैनल पर आता था। उसके बाद 2008 में सोनी चैनल पर कॉमेडी सर्कस में 6 सीजन में पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा झलक दिखला जाके डांस शो के सीजन 6 को भी होस्ट किया था। फिर उन्होंने 2013 में अपना शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शुरू किया जो उनके ही बैनर तले K9 प्रोडक्शन में बनाया या शो कलर्स TV पर प्रसारित किया गया था। 2015 में इन्होंने करण जौहर के साथ 60वें फिल्म फेयर अवार्ड्स को होस्ट किया था। इनका शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल बंद हो जाने के बाद ये काफ़ी डिप्रेशन में चले गए थे और दारू शराब के नशे में भी चले गए थे। कुछ समय बाद इन्होंने फिर अपना न्यू शो द कपिल शर्मा शो को शुरू किया जो पहले की तरह काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाने लगा और ये डिप्रेशन से भी बाहर आ गए। इनको बॉलीवुड की डिब्यूट मूवी किस किस को प्यार करूं थी जो 2015 में सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी। इसके डायरेक्टर अब्बास मस्तान थे। वर्ष 2017 में इनकी दूसरी फिल्म फिरंगी आई जिसके डायरेक्टर और राइटर राजीव ढींगरा हैं और प्रोड्यूसर खुद कपिल शर्मा ही थे। कपिल शर्मा के शो में उनको सबसे ज़्यादा फेमस डायलॉग बाबा जी का ठुल्लू है। यह डायलॉग लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। कपिल शर्मा के साथ काम करने वाले सुनील ग्रोवर के साथ उनका विवाद हमेशा सुर्खियों में बना रहा। इनके विवाद का कारण पैसे को बताया जाता है। बाद में कपिल ने इस मामले को झूठ बताया और इस बात का खंडन किया। मेलबर्न से लौटते समय सुनील से फ्लाइट में ही कपिल शर्मा से गाली गलौज और मारपीट की थी। बाद में जब सुनील ग्रोवर ने अपने साथ काम करने वाले दोस्तों को ये बात बताई तो उनके दोस्त भी कपिल के साथ काम करने से इनकार कर दिया। कपिल शर्मा ने अपने फेसबुक पेज पर माफ़ी मांगी तो इस पर सुनील ग्रोवर ने कहा कि वो सबका सम्मान और आदर करें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा।